हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी आशा को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ और इसके बाद खुद घर जाऊँगा, नहाऊँगा धोऊँगा और तैयार होऊँगा। क्यों भाई, सुबह सुबह स्कूल जाने में मज़ा आता है? नहीं आता सुबह सुबह इतनी क्या जल्दी उठना पड़ता है? जब बड़ा हो जाएगा ना तब यही दिन याद आएंगे, बेटे हमें भी आते हैं अब स्कूल वाले दिन थोड़े थोड़े याद, धीरे धीरे करके। क्यों आशी? चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। मेरा भाई टाइम, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को या नहीं पता नहीं, यहाँ बहुत शोर है। चाय पी रहे हम और ये खा रहे हैं, फलाफल कहते हैं इसको, फलाफल हेल्दी होता है ये बहुत ज़्यादा, इसलिए ये खा रहे हम। क्यों सौमिल रेडी बैठा था कि अब लेगा प्रियांशु तो मुझे पोज मारना है। वेरी गुड, फोन चला रहा है। बोल रहा था तो कुछ कह रहा था क्या? उसकी तब तक मैं बिजी चैटिंग विद सेटिंग। हाय ये अभी अभी हमारा कॉलेज खत्म हुआ है और शिवम आ गया है मेरे को लेने। आज पता नहीं शिवम का मन कर रहा था बड़ा। ये देखो माइक। तो क्या हाल है? बढ़िया है। क्या मजा आ रही है? एडमिशन लेने वाला है क्यों शिवम? ले लिया तो खुशी हो रही है, खुशी। गाइस लगता है एक्सीडेंट हो गया, गाइस यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। आप लोगों से कहाँ चल रहे हम? कहीं तो जाएंगे, है? कहीं तो जाएंगे, कहाँ देखते हैं, हमें पता नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं। ओरियो शेक वो कहाँ से लिया है हमने? इससे लिया है, क्या कहते हैं इसको, दुबई शॉर्मा से, गॉसिप पॉइंट कैफे जो है। और ये है तो बहुत टेस्टी। जगह तो बता दे। ये सेक्टर 46 है, नोएडा सेक्टर 46। टीस्टा से ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ये जो आप टीस्टा शॉप देख सकते हो बहुत ज़्यादा फेमस है। बाकी एक दो चीज़ों से और फेमस है पर टीस्टा मेन है। और ये है तो बहुत टेस्टी पर ये थोड़ा सा महंगा है। और थोड़ा सा महंगा भी चलो कोई बात नहीं, पर ये क्वांटिटी वाइज भी थोड़ा कम है। क्यों? बैंगलोर में कितने का था मिलता था इतना बड़ा? 60 रुपए में हो जाता था बैंगलोर में। बैंगलोर ऐसे ट्रैवलिंग में बहुत महंगा था पर यहाँ ट्रैवलिंग इतनी महंगी नहीं है। चलो गाइस कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ पे भी महंगी हो जाएगी ट्रैवलिंग। अभी चलते हैं यहाँ से कुछ खाने जाएंगे, वो मेरे घर के पास वाली जगह पे कंचनजंगा मार्केट में कहीं कुछ खाने का देख लेंगे। चल गाड़ी तक तो चल। गाइस ये देखो मलाई चाप मंगा लिया और ये ना क्वांटिटी वाइज थोड़ी कम लग रही है पर कोई बात नहीं, खा लेते हैं। शिवम कह रहे हैं साले सही तो है क्वांटिटी, कोई बात नहीं पर खा लेते हैं, खाते मिलते हैं जरा गाइस आपको। ये आ गई है चटनी प्याज, जल्दी लपलाप लपलाप शुरू हो जा। मलाई चाप खा के एक दिन तो कहीं गया था कुछ करने, अरे हाँ कुछ याद आया। बेबी क्या हाल है? हेलो हेलो वो कौन है बता दे, वो कौन है ऊपर, कौन है? नानू। और नानू आओ मेरे को किसी करो जल्दी, एक भाग के किसी करो। नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है व्लॉग में तो। अरे ये दीदी आई हुई है हमारी। हाय बेबी। अब जा रही है दीदी, गाइस है गाइस, बेबी नहीं। हाँ भाई देवांश क्या हाल है तेरा? घर से आया हूँ निकल के, तो गाइस मैं अभी घर से निकल के आया तो सुबह, और फिर ना मैं आज स्कूल ले गया, मैंने स्कूल की छुट्टी मार दी। तूने स्कूल की छुट्टी क्यों मारी? स्कूल की छुट्टी कैसे मारी तूने, जल्दी बता। छुट्टी नहीं लगी तो मैंने खुद मारी पड़ी, मान ले मुझे अपने मामा का आना था। है मामा के आना था, छुट्टी मार ली इसलिए। गाइस मुझे नोएडा आना था तो मम्मा मुझे लेके नहीं जाती थी ना, इसलिए मैंने छुट्टी मार ली, तो इसलिए मैंने छुट्टी मार दी। अब तो लेके जाएगी मम्मी, आपका नाम क्या है? लेके जाएगी, क्यों जाऊंगा स्कूल? इसको देखो गाइस ये हमारे घर का सबसे क्यूट बच्चा, इधर आ इधर आओ। अब तो उठा दो, इसके बाल कटवा दिया दीदी ने, बेकार कर दिया। हाँ अब तो उठा दो मुझे, नहीं उछालूंगा डाल दूंगा।
तो हमारी कल दीदी आई थी घर पे, दीदी और जीजू और वो देवांश और मनी, और वो लोग फिर कल आए थे, कल ही चले गए थे। जब वो आए थे मैं कॉलेज में था, फिर शाम को चले गए थे और मैं उन सब में बिजी हो गया था घर पे थोड़ा सा। इसके बाद मैं शाम को थोड़ा सा थक गया था तो मैं ना सो गया था, तो ब्लॉग भी मैंने वहीं तक बनाया था। तो ये क्लिप मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ले रहा हूँ और अभी ब्लॉग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपको, तब तक के लिए बाय।